हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 चल रहा हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने 4 केस स्टडीज पढ़ी थी, जैपनीज की पढ़ी थी, केएफसी की पढ़ी थी, कैलॉग्स की पढ़ी थी और ग्रामीण बैंक की पढ़ी थी। आई होप आपने रीड कर ली होगी और सीख लिया होगा कि कैसे कैसे लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कैसे कैसे लोग लोगों की मदद करके भी बिजनेस बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्लास में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है वो है आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ एक मीनिंग होता है, एक गोल होता है, वो है वेल्थ क्रिएशन, मतलब आपको पैसा बनाना है। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक तरीके से लोगों की मदद करते हुए पैसा कमाना, ठीक है ना। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है, लोगों की मदद करो, सोसाइटी की मदद करो, जो आप काम कर रहे हो उसके से किसी चीज की मदद हो रही है, उससे आप पैसा बना रहे हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बुलाते हैं। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। द एंटरप्रेन्योर्स फाइनल ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ क्रिएशन। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है, वेल्थ क्रिएशन इज सिंपली अ मींस टू एन एंड। मतलब ये सोशल एंटरप्रेन्योर पैसा इसलिए बनाता है जिससे वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मींस टू एन एंड, एंड का मतलब होता है गोल, एक वजह, और मींस का मतलब होता है जरिया। तो वेल्थ क्रिएशन एक जरिया है जिससे वो अपने एंड गोल की फुलफिलमेंट कर सके, उससे हम क्या बुलाते हैं, एक सोशल एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। आगे क्या दे रखा है, द सोशल एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट सीकिंग वेंचर्स ओनली इफ इट ओनली टू यूज द प्रॉफिट जनरेटेड टू क्रिएट वैल्यूएबल सोशल प्रोग्राम्स फॉर द होल कम्युनिटी। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वही बिजनेस करता है जिससे उस प्रॉफिट को हम सोसाइटी के भले के लिए यूज कर पाए। तो ऐसे बिजनेस को क्या बुलाया जाता है, सोशल एंटरप्राइज या सोशल एंटरप्राइज बुलाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो डिफरेंस पता लग गया, एक एंटरप्रेन्योर का, एक सोशल एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस क्या है। ओके, आगे एक केस स्टडी दे रखी, यहां पर केस स्टडी दे रखी है ऑपरेशन फ्लड की। सर ये ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड का मतलब यहां पर मिल्क से रिलेटेड है। और यहां पर मिल्क में क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड का मैं छोटा सा केस स्टडी कर देता हूं कि इंडिया में है ना, मिल्क की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो उसकी सप्लाई थी वो उतनी नहीं थी। तो ये था कि इंडिया को फिर एक मजबूरी आ गई थी कि इंडिया को बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा मिल्क को। तो ऐसे केस के अंदर हमारे जो तब के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना, 1964 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इन्होंने इनको अपॉइंट किया था, मिस्टर वगीस क्यूरेन को अपॉइंट किया था कि आप क्या करेंगे, अमूल जो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके जैसे बहुत सारे बिजनेसेस को बनाएंगे, और ऐसे करने के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है ना। अब ऐसा पैसे करने के लिए गवर्नमेंट के पास ना पैसा नहीं था, तो इन्होंने क्या किसके पास गए, ये गए वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, और वर्ल्ड बैंक से बोला पैसे दो और भूल जाओ। सीरियसली ये लिखा था, गिव मी मनी एंड फॉरगेट अबाउट इट, हमें पैसे दो और भूल जाओ, क्योंकि ये पैसा हम यूज करने वाले हैं अपने इंडिया के अंदर मिल्क से रिलेटेड बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और वर्ल्ड बैंक ने पैसे एक्चुअल में दे भी दिए थे। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करे, और जो मिल्क का बिजनेस था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए इसको बुलाया जाता है ऑपरेशन फ्लड, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपना मिल्क लेकर आते थे, उसको इकट्ठा करते थे, क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग किया जाता था, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता था, इसलिए इसको बुलाया जाता है ऑपरेशन फ्लड। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा, मैंने इसका ब्रीफ आपको आउटलाइन दे दी है, आप डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर, रीड करना आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ऐसा क्यों है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत मार्केट में इंक्रीज होती जा रही है। एक तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत क्यों बढ़ती जा रही है। देखो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, जो सबसे बड़े रीजन क्या है वो है आपके पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
क्योंकि हमारे जो गरीबी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा है। तो इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जो जरूरत है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर हो गया? ओके, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों किया जाता है? जिससे हम जो हमारे जो वल्नरेबल लोग हैं, वल्नरेबल लोग का मतलब होता है जो लोग जिनको इजिली हर्ट किया जा सकता है, जो इजिली परेशान हो सकता है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे गरीब लोग होते हैं, जो पिछड़े जो हमारे होते हैं ना कि बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल लोग होते हैं, इनको नुकसान बहुत जल्दी पहुंचता है। तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है। लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों की सैलरी कट हो रही है इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, ऐसे लोगों को बचाने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। तो ऐसे केस में ऐसे आइडियाज आए, इनोवेशन आए, क्रिएटिव आए, जिससे हम इन सब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जो जरूरत है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। क्लियर हो गया? ओके, आपको भी एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है, सोसाइटी का भला भी करना है और पैसा भी कमाना है। आई नो सबको पैसा कमाना है, आपको तो अरबपति बनना, मानी से भी अमीर बनना, मुझे पता है। लेकिन सोसाइटी का भला करोगे तो आप मानी क्या, आप जेफ बेजोस, एलन मस्क से भी अमीर बन जाओगे। ठीक है? ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आप रीड कर लेना क्या क्या दे रखा है। ये सोशल कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चों एजेंट, कैटलिस्ट का मतलब होता है सपोर्टर। तो ये सोसाइटी के क्या है, सपोर्टर्स हैं, सोसाइटी को बदलने में काम करते हैं। सेकंड क्या है, सोशली अवेयर। सोशली अवेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड ये अवेयर रहते हैं, उससे रिलेटेड वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा क्या, अपॉर्चुनिटी सीकिंग। मैंने ऊपर वाले पॉइंट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ये लोगों की सोसाइटी को अपने गोल्स पूरा करने के लिए लोगों की जरूरतों को देखते हैं, कहाँ कौन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, क्या वो हेल्प कर सकते हैं, कर सकते हैं तो उसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ देयर गोल्स, मतलब वो बेचैन रहते हैं, वो टिकते नहीं एक जगह पे, वो हर एक ऑब्स्टेकल को, हर एक रुकावट को, हर एक हिंड्रेंस को अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इनोवेटिव प्लस क्रिएटिविटी, मतलब ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? इनोवेशन करते हैं, मतलब न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, सब कुछ एस्टेब्लिश करते हैं और क्रिएटिविटी के साथ नए एंगल से देखते हैं। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, लेकिन जितना भी पैसा होता है वो उसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर हो गया? प्लस दूसरों लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेट करके अपनी रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, जैसे आपके पास कुछ पैसा है, मेरे पास कुछ पैसा है, किसी के पास कुछ लोग हैं, हम सब मिलेंगे और क्या करेंगे, बिजनेस कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी में ग्रुप बना के भी बहुत अच्छे बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अकाउंटेबल, बच्चों अकाउंटेबल का यहाँ पर मतलब होता है आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब होता है कि आप जो सोसाइटी के लिए जो भी कर रहे हो उसके लिए आप आंसरेबल हो, आप जवाब दोगे सोसाइटी को। आई रिपीट, आप सोसाइटी को जवाब दोगे कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उनकी। क्लियर हो गया? आप क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी कौन करता है, एक सोशल एंटरप्रेन्योर करता है। तो बच्चों एक बार फटाफट से हेडिंग्स फिर से देखेंगे क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले सपोर्टर्स हैं, कैटलिस्ट है, एजेंट है, दूसरा वो सोशली अवेयर रहते हैं, तीसरा अपॉर्चुनिटी सीकिंग, वो हर एक ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इनोवेटिव होता है वो, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू सर्विस, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एस्टेब्लिश करते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, प्लस लोगों के साथ मिलकर भी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं, और लास्ट हमारा अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू द सोसाइटी। क्लियर हो गया? ओके, आगे बच्चों क्या दे रखा है, आगे कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप रट लेना, समझ भी लेना, स्टोरी इनकी पढ़ लेना, एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेम टू एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, तो पहले कौन है हमारे, विनोबा भावे, दूसरे हमारे ईला भट्ट, ईला भट्ट की तो केस स्टडी हमको पढ़ने वाले हैं अभी, ईला भट्ट, ठीक है, तीसरे हमारे डॉक्टर अब्राहम एम जॉर्ज, चौथा कौन है हमारे, डॉक्टर वेगिस क्यूरेन, अभी हमने पढ़ा था वेगिस क्यूरेन के बारे में, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, अगले कौन है हमारे, बंकर रॉय, ओके, इसके अलावा हमारे कौन आते हैं, नंद किशोर चौधरी, इसके अलावा कौन आते हैं हमारे, हरीश हांडे। तो ये सारे कुछ हमारे कौन है,
सोशल एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और अपना बिजनेस एंटरप्राइज बनाया था। तो इनके बारे में रीड कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनकी केस स्टडी से, इनकी लाइफ स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक एक लाइन दे रखी है कि इन्होंने क्या क्या चीजों को फाउंड किया था, जैसे बंकर रॉय जी ने बेयरफुट कॉलेज बनाया था, डॉक्टर क्यूरे ने अमूल डेयरी प्रोजेक्ट बनाया था, नम किशोर जी ने जयपुर रक्स बनाया था, इन्होंने क्या बनाया था, सेल्को इंडिया बनाया था, सोलर इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई थी हरी सांडे ने। तो ये कुछ इनकी कंपनीज के बारे में दे रखा है कि लाइट की प्रॉब्लम होती थी, उन्होंने सोलर लाइट वाली ये चीजें बना दी थी। आई होप आपको ये थोड़ा सा केस वगैरह समझ में आ रहा होगा। ओके, अगली केस स्टडी। यहाँ पर केसेस बहुत है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर स्टोरीज बहुत है, रखने वाली या पढ़ने वाली चीज कम है, समझने वाली लेसन लेने वाली चीजें बहुत ही ज्यादा है। अगली केस स्टडी दे रखी है किस चीज की, सेवा की। सेवा की फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, और उनकी जो हेड थी वो कौन थी, लीला भट्ट। क्या दे रखा है, 1971 के अंदर कुछ औरतें जो कि हैंडकार्ट पुलर थी, हैंडकार्ट पुलर का मतलब तो ठेले नहीं होती हैं, उनको ठेले वाली जो काम करती थी ठेले पे, वो कुछ विमेन इनके पास आई थी, लीला भट्ट के पास आई थी, जो कि उस समय टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में विमेन्स विंग की क्या थी, हेड थी। उनको पता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये जो औरतें हैं फेस कर रही हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं जिससे वो अपनी लाइफ लिविंग स्टार्ट कर सके। ठीक है, 97% जो औरतें थी स्लम्स एरिया में रहती थी, बस्ती वगैरह में रहती थी, और 93% इलिटरेट थी, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो ऐसे केस में बट को जल्दी रियलाइज हो गया कि इनको मदद की जरूरत है, आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो 1972 के अंदर इन्होंने एक कोऑपरेटिव बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जो अपने मेंबर्स की क्या करेगा, मदद करेगा। 1977 में आते आते 6 ग्रुप और बन गए थे, गारमेंट डीलर्स के बन गए थे, हैंडकार्ट पुलर्स के बन गए थे, वेजिटेबल वेंडर्स के बन गए थे, जंग स्मिथ के बन गए थे, मिल्क प्रोड्यूसर के बन गए थे, और वगैरह वगैरह लोगों के बन गए थे। तो ये क्या करते थे, सब मिलकर पैसा इकट्ठा करते थे, ठीक है, और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती थी उसको वो पैसा दे देते थे। तो ऐसे क्या बन गया था, इनका एक सेवा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। 1973 में 320 लोगों से स्टार्ट हुआ था और 2002 में अप्रोक्सीमेटली 7 लाख विमेन यहां से जुड़ी हुई थी। समझ में आ रही है चीज। ओके, पहले जो मेंबरशिप फीस थी उनकी 3 रुपए थी, बाद में उसकी 5 रुपए हो गई, मतलब ये 5 रुपए दो आप इनके मेंबर बन सकते हो। तो देख रहे हो कैसे आप सबकी मदद करके एक बिजनेस एंटरप्राइज बना सकते हो। समझ में आ रही चीज। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगली केस स्टडी और भी बहुत मस्त है। अगली केस स्टडी दे रखी है आपको लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़ है ना, आराती टीवी पे, उसकी केस स्टडी है ये बिजनेस कैसे बना। तो देखो इसकी भी केस स्टडी बहुत सही है, पढ़ते हैं। देखो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, यहां पर लिखा हुआ है क्या कहा गया, ये रहा। लिज्जत पापड़ की कंपनी सिर्फ 80 रुपए के लोन से स्टार्ट हुई थी, सिर्फ 80 रुपए का लोन लिया था उससे स्टार्ट हुई थी, और आज कंपनी का जो टर्नओवर है वो 301 करोड़ से भी ऊपर है, मतलब 400-500 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन कंपनी की शुरुआत किससे हुई थी, 80 रुपए के लोन से। ठीक है, 7 औरतों ने एक आइडिया इन्वेंट किया। आइडिया क्या इन्वेंट किया कि उनको सिर्फ खाना बनाना आता था, तो खाने की हमें कैसी चीज बनाएंगे जो हर घर में यूज होती है। उनमें से किसका नाम क्या, एक है जसवंती बहन, एक है हमारी पार्वती बहन, एक है हमारी उजमा बहन, एक है हमारी बानू बहन, एक है हमारी कौन सी लघु बहन, और एक हमारी जया बहन। तो ये कुछ औरतें हैं उन 7 औरतों में से जिनके दिमाग में आइडिया आया था पापड़ बनाने का। इन्होंने छगनलाल करमसी पारेख से 80 रुपए का लोन लिया था और अपना पापड़ का बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, और फिर उन्होंने औरतों को जोड़ लिया। ठीक है, बिजनेस बनता गया और सबको प्रॉफिट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब ये नहीं था कि अगर आप सीनियर हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जूनियर हो तो आपको पैसा कम मिलेगा, आप पुराने हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, नए हो तो कम पैसा मिलेगा, और प्रॉफिट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये महाराष्ट्र बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर पूरी केस स्टडी दे रखी है लिज्जत पापड़ की, आप इसको डिटेल में रीड कर लेना, तो काफी अच्छे लेसन आपको यहां पर मिलेंगे कि किस तरीके से
प्रॉब्लम सॉल्व अगर आपको करनी आती हो, अगर आप ठान लो, तो चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप मिडिल क्लास में हो, चाहे आप बहुत गरीब हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि हाँ ये आप कर सकते हो। आइडिया बहुत बड़ा हो सकता है, दिखने में डर भी सकते हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। केस स्टडीज हमारी सारी हो गई, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिस्क के बारे में और चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पसंद आ रही हो, लेक्चर समझ में आ रहे हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।